नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांच्या कस्त्या जमिनी सिडकोने तब्बल 45 वर्षापूर्वी ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यावेळी देण्यात आलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. एकीकडे गावे बकाल झाली आणि शेतकऱ्यांवर बेघर होण्याची वेळ आली. सध्या भूमिपुत्रांच्या घरांवर बुलडोजर फिरवला जात असल्याने भूमिपुत्रांनी आगरी कोळी युथ फाउंडेशन यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून संघर्ष केला जात असून मंगळवारपासून प्रकल्पग्रस्तांनी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावेळी साई देवस्थान वाहाचे संस्थापक रविशेठ पाटील व जिल्हा परिषद सदस्य रवींद्र पाटील यांनी देखील या मोर्चामध्ये सहभाग घेतला. ये जो लड़ा है, ये आंदोलन है, ये भूमिपुत्र लड़ रहे हैं, भूमिपुत्र इसका नेतृत्व कर रहे हैं. ये भूमिपुत्र अभी अपने हकों से, अपने अधिकारों को वो जान चुका है, तो इसलिए अभी ये भूमिपुत्र अपना हक, अपना अधिकार लिए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है. हमारे जो गांवठन, विस्तारित गांवठन, जहाँ हम लोग सैकड़ों नहीं हजारों सालों से रह रहे हैं, ये जो नवी मुंबई है हमारे जमीन पे बसी है, हमारी जमीनें लेके यहाँ पे ये नवी मुंबई का निर्माण हुआ है. लेकिन हमारी जो गांवठाण है, हमारे जो विस्तारित गांवठाण है, जहाँ सैकड़ों हजारों सालों से हम और हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं, ये सरकार की नाकर्ती के वजह से उनके जो सर्वे होने चाहिए थे टाइम टू टाइम, हर 10 साल में सर्वे होने जरूरी थे. सर्वे होके ये लैंड यूज मैप बनने जरूरी थे. मैपिंग करके इसके जो टाइटल थे, ये टाइटल भूमिपुत्र को देना काफी जरूरी थे. बट ये टाइटल, ये सर्वे गवर्नमेंट ने किए नहीं, इसकी वजह से टाइटल भूमिपुत्रों के पास इन जमीनों का, इन घरों का नहीं है. इसकी वजह से इनके घरों को अनाधिकृत कहा जाता है, ठहराया जाता है, और अनाधिकृत ठहरा के उनपे कार्रवाई करने की कोशिश होती है. भविष्य में ऐसे कोई भी अगर अनाधिकृत बांधकाम नहीं हो तो उसके पहले इसके टाइटल क्लियर होना जरूरी है. इसलिए हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि सर्वे करने के अधिकार उनके पास है. महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड और MRTP के अनुसार ये सर्वे कर सकते हैं. महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड रूल 1975 के तहत इनको, यहाँ के जो भूमिपुत्र है, इनको जमीन देने की उसमें प्रोविजंस दी गई है. तो हम वही चाहते हैं कि जो कायदे के दायरे में है, वो कायदे के दायरे में जो चीज़ें हैं उनका उपयोग ये सरकार करे. हमारी जो ज़मीनें हैं उनको ये मापे, उसके लिए जो भी वो कंसेशनल रेट दिए गए वो हमसे ले, और इन ज़मीनों का अधिकार, इन गांवठाणों का अधिकार, हमारे घरों का अधिकार हमें दे. इसके लिए ये सारे भूमिपुत्र यहाँ जमा हुए हैं और ये अभी अपने हकों से वाजिब हुए हैं. तो जब तक अपने हक, अपने अधिकार ये लेंगे नहीं, तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं है. इसलिए हमें सरकार से दरख्वास्त है कि कृपया इन भूमिपुत्रों का जो आवाज़ है आप तक अगर पहुँचा है, तो इन भूमिपुत्रों का जो हक अधिकार, उनके गांवठाणा का हक अधिकार आप उन्हें दीजिए. ये हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, लेकिन जब तक ये अधिकार इनको मिलेंगे नहीं, ये यहाँ से हटने वाले नहीं है.